सोत्रा एंड वेलकम टू सीसीडी अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमने कल की क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th, जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने काफी टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं, उसमें से हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनसाइड द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड व्हाट? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हम लोगों ने थ्री वेज डिस्कस की थी, जिसके अंदर फर्स्ट क्या थी, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था एक और तरीका, जिसका नाम था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड देन क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, सबसे पहले क्या है कि एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो एग्जांपल क्या कहती है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है एंड 320 ग्राम ऑफ वॉटर। 320 ग्राम वॉटर है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, तो सॉल्यूट क्या होगा, कल हमने डिस्कस किया है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होता है, जो लेसर अमाउंट में होता है, उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, जो कॉमन सॉल्ट है वो 40 ग्राम है, मतलब कम है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, कॉमन सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, वॉटर, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है। वॉटर कितना है, 320 ग्राम, एंड कॉमन सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो कितना हो गया सॉल्यूशन, 360 ग्राम। सॉल्यूशन हो गया 360 ग्राम। अब हम फॉर्मूला यूज करें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो कितनी आ गई हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 11.1%। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालते हैं, किस तरह फॉर्मूले को यूज करते हैं एग्जांपल के अंदर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन के अंदर एक ही चीज रह गई, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। Properties of solution. अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कल ही हमने भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर के। तो हम कह देंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी वही हो जाएगी, सॉल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर।
होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. दिस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन are smaller than 1 nanometer in its diameter. जो उनका डायमीटर होता है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा होता है. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी देम by neck dive. जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उनका डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से हम उनको नेक डाइव से नहीं देख सकते. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं जिसकी वजह से अगर लाइट की बीम उसमें से पास होगी सोल्यूशन में से तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगी. ठीक है, लाइट की बीम अगर हम उसमें से पास करवा रहे हैं तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बीम की जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा. ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल्स द बीम ऑफ लाइट स्कैटर थ्रू दिस सॉल्यूशन and the path of beam of light is not visible. जो beam light की beam होती है उसका path क्या होता है, visible नहीं होता. because क्योंकि particles इतने छोटे हैं कि light की beam जो वो scatter ही नहीं हो पा रही है. ठीक है, अगर fourth property की तरफ हम जाएं तो fourth property क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट होता है इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर जो सोल्यूट होता है सोल्यूशन के मिक्सचर के अंदर, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे. और अगर हम उस कंटेनर को जिसके अंदर सोल्यूशन पड़ा है उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे. ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इफ रिमेन disturbed, ठीक है. तो हम लोगों ने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी किसकी, सॉल्यूशंस की. उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी किया थी कि सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशंस हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नेक डाइस से नहीं देख सकते. थर्ड थिंग, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से जो लाइट की बीम है उसमें से स्कैटर नहीं हो पाती और लाइट की बीम जो है वो विजिबल भी नहीं होती. ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर उसको अनडिस्टर्ब रहने देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो सेटल डाउन भी नहीं होंगे. ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज सस्पेंशन क्या है. सोल्यूशन के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में. ठीक है, What is suspension? Suspension क्या है? अगर suspension को जाने तो suspension का मतलब बहुत क्या होता है, in which the solids are dispersed in the liquid. जो solid है
वो पूरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, सस्पेंशन, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब पता चला। और जैसे हमारा सॉल्यूशन जो था वो होमोजेनियस मिक्सचर था, उसी तरह जो सस्पेंशन होगा वो क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एंड सस्पेंशन इज व्हाट, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अगर पूरा डिफाइन करना हो सस्पेंशन को तो हम क्या बोलेंगे, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो जो अनडिसॉल्व्ड रहेंगे और वो सस्पेंडेड रहेंगे पूरे मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सस्पेंशन। डिफाइन कर दें तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। तो अब हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन क्या था, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड रहेंगे लिक्विड के अंदर, उसको हम सस्पेंशन कह देंगे। और सस्पेंशन जो है वो हमारा होमोजीनियस, सॉरी सस्पेंशन जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा। और जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स जो है अनडिसॉल्व्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सस्पेंशन। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो नेक डाइस से विजिबल होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक डाइस। ओके, जो पार्टिकल्स है वो नेक डाइस से विजिबल होते हैं क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं तो जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, लाइट की बीम जो सस्पेंशन में से पास होगी वो विजिबल, उसका पाथ विजिबल होगा क्योंकि वो स्कैटर हो पाएगी। ठीक है, द बीम ऑफ लाइट स्कैटर थ्रो इट एंड द पाथ of beam of light, path of beam of light is visible. Okay, जो path होगा वो क्या हो जाएगा, visible. Fourth property पर आए तो fourth property क्या कहती है, we can separate the particles from the suspension. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उनको हम सेपरेट कर पाएंगे by the process of what, filtration. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट कर पाएंगे, और अगर उन्हें अनडिस्टर्ब रहने दें तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है,
So we can separate the solute particles by the process of filtration. And it settle down when remain undisturbed. ठीक है, अगर इन्हें अनडिस्टर्ब रहने दें तो जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. अब देखो, अब हमने एक बात की थी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो बीम ऑफ लाइट है उसमें से स्कैटर हो जाती है और वो विजिबल होता है उसका पाथ. बट जब वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, अब लाइट की बीम जो है वो स्कैटर नहीं कर पाएगी इसमें से. ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो जो सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाएगा, अब जो जो लाइट की बीम आ रही है वो स्कैटर नहीं कर पाएगी इसमें से. तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन के बारे में. अब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? When the particles of colloid are uniformly spread throughout the solution, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वैसे दिखने में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से दिखने में ये क्या लगते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर लगते हैं. बट ये होते होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये होते क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. कोलोइडल सॉल्यूशंस आर व्हाट? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ये होते क्यों हैं? बिकॉज दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. ठीक है, जो लाइट उसमें से पास होगी, लाइट की जो बीम पास होगी उसको ये स्कैटर करेंगे और उसका पाथ क्या होगा? विजिबल होगा. दिखने में होंगे होमोजीनियस मिक्सचर पर होंगे क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही छोटे हैं. इसके एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट इज मिल्क. मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो नेक डाई से विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर लाइट की बीम पास करेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगी. अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम लोग एक शब्द से डिनोट करते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट. कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. और टिंडल इफेक्ट को हम लोग कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? मान लीजिए हमारा एक रूम है, बहुत डार्क रूम है, और वहां पर विंडो में एक छोटा सा होल है. उस होल में से लाइट की बीम जब आती है तो हम लोग उसको देखेंगे तो लाइट की बीम जो है ना उसमें उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर घूम रहे होंगे. ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से वो बीम ऑफ लाइट हमें दिखती है. ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? टिंडल इफेक्ट. ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कोलाइडल सॉल्यूशन कौन होते हैं? दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. सो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसको हम नेक डाइस से नहीं सही देख सकते. साइज ऑफ पार्टिकल्स
are very small, cannot be seen by naked eyes. जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. ओके, दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. जो लाइट की बीम होगी उसमें से पास होगी, वो स्कैटर हो पाएगी, जिसकी वजह से उसका पाथ क्या होगा, विजिबल होगा. एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आ जाती है, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड. कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, पर इसको सेपरेट जरूर कर सकते हैं. इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक लेकर आएंगे, जिसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है, और अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रहने दें, जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे. ठीक है, जिसकी वजह से जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट वी कैन सेपरेट इट बाय the process of centrifugation. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज. हम लोगों ने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, सस्पेंशन को जाना कि सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. उसके बाद हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और उसके बीच में हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट को भी डिस्कस किया. ठीक है, आई होप कि अब तक ये सब क्लियर हो चुका होगा. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से लिए गए हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, इवन हमारी रिविजन भी हो जाएगी उनके साथ साथ. सो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जाम्पल. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है वो बताइए, और एग्जाम्पल के साथ बताइए. तो हम लोगों ने अभी कल ही डिस्कस किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक बार वापस से डिस्कस कर लेते, एक रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को हमने देखा था. होमोजीनियस क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब क्या होता है, फेस. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेस पर हैं. सेम फेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते देख के कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने सब्सटेंस एडेड है, बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. दिखने में पूरा एक जैसा ही लगता है. ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर इसकी एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी, सॉल्ट इन वॉटर, शुगर इन वॉटर. ठीक है, उनको अगर रहने देंगे थोड़ी देर अनडिस्टर्ब तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और दिखने में ऐसा लगेगा जैसे एक ही पूरा मिक्सचर है, एक ही सब्सटेंस है, उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ. इसको हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, एंड जीनियस मतलब फेस. ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है डिफरेंट फेज पर हो, जिसको हम लोग देखकर डिफरेंशिएट कर पाए कि
इसके अंदर कितने पार्टिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और देखकर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या सोल्यूट डाले हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ले जाए तो सॉल्ट, वो क्या कहते हैं, सैंड इन वॉटर या फिर चॉक पाउडर इन वॉटर, ठीक है। सैंड इन वॉटर, अगर सैंड को वॉटर के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी सैंड, ठीक है, और साफ देखकर पता लग जाएगा कि इसके अंदर सोल्यूट क्या है, सैंड है, सॉल्वेंट क्या है, वॉटर है। इसको हम क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाउ सोल्यूशन इन सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। किस तरह से सोल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से अलग है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, तो एक बार वापिस से कर ले, रिविजन हो जाएंगे क्विक। तो सोल्यूशंस क्या थे, सोल्यूशंस क्या थे, सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सोल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। एंड सस्पेंशंस क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, सोल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशंस क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नेक डाई से नहीं देख सकते, इवन उनके पार्टिकल्स का डायमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा कम होता है। बल्कि जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं जिनको हम नेक डाई से देख सकते हैं, ठीक है। और इनके पार्टिकल सोल्यूशंस के बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से जो लाइट की बीम है वो उसमें से स्कैटर नहीं कर पाती और लाइट की बीम का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता। उसी तरह अगर हम सस्पेंशन में देखें तो पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं जिसकी वजह से लाइट स्कैटर करती है और जो लाइट की जो बीम है उसका पाथ विजिबल होता है। सोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, लेकिन जो सस्पेंशन है उसके अंदर हम सोल्यूशन के अंदर हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को, लेकिन जो सस्पेंशन है उसके अंदर हम पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अगर सोल्यूशन के पार्टिकल, सोल्यूशन को हम लोग अनडिस्टर्ब रहने दे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आई होप कि ये सब क्लियर होगा आज जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो मिक्सचर्स हैं वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो किस तरह उन कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज अपनी क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। थैंक यू।